वहज़र नाजरीन असल वरह लिया वक्त लर्निंग पॉइंट में खुशामदीद आज की इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से जीमेल के जरिए से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें या जो भी ब्राउज़र आपके मोबाइल में इंस्टॉल है उसे ओपन कर लें चूँकि हमने क्रोम को इंस्टॉल किया था क्रोम के ज़रिए से हमने ई मेल अपना एड्रेस बनाया था तो क्रोम ब्राउजर हमारे पास इंस्टॉल है सर्च टाइप के अंदर आप लिखें जी जी मेल डॉट कॉम ये पहले मैंने टाइप किया हुआ था इसलिए नज़र आ रहा है लेकिन अगर आप पहली दफ़ा लिख रहे हैं तो आप क्या कर लिखेंगे अब यहाँ पे टाइप करेंगे जी मेल डॉट लिखने के बाद आप ये नीचे एरो बटन बना हुआ है ब्लू कलर का आप इसके ऊपर जो है क्लिक करें जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी यहाँ पर आप अपना ई एड्रेस जो हमने बनाया था वो टाइप करेंगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रोफेसर अनवर के पी आर एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम ये लिखने के बाद आपने अपना ई मेल आई डी यहाँ पर टाइप करना है जो आपने बनाया था अब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और इस जगह पर आप अपना पासवर्ड देंगे पासवर्ड देने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे चूंकि मैंने ऑलरेडी ई मेल इंटर किया हुआ है और मैं साइन इन हूं मैं अपना ई मेल अकाउंट खोलता हूँ और अब उसके जरिए से आपको ई करना सिखाता हूं देखें ये मेरा ई अकाउंट खुला अब इस आपके सामने भी इस तरह से स्क्रीन आएगी और यहां पर लिखा होगा कंपोज आपने इस कंपोज के आइकॉन पर क्लिक कर देना है जब कंपोज के आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा देखें ये मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है टू आपने जिसको ईमेल सेंड करनी है यहां पर आप उसका ईमेल आईडी लिखेंगे तो मैं यहाँ पर ई मेल आई डी लिख देता हूँ एस शहजादा द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम मैं इसको ई मेल सेंड कर रहा हूँ अब यहाँ ये यह लिखने के बाद मेरे पास सेकेंड ऑप्शन आएगा कि मैं किसको सेंड करना चाह रहा हूँ ठीक है जी मैं सब्जेक्ट क्या है मेरा ये तो सेंड तो मैं इसको कर रहा हूँ करने वाला मैं हूँ वो फ्रॉम में आ गया मेरा ई मेल आई डी यहाँ पर आ गया जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ मेरा आईडी खुद ब खुद आ जाएगा जिसको आपने डाल भेजना है उसका ईमेल आईडी आपको टाइप करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अंदर वो सब्जेक्ट लिखें मिसाल के तौर पर आपने असाइनमेंट भेजनी है किसी टीचर को तो आप लिखें असाइनमेंट और उसके बाद असाइनमेंट कौन सी असाइनमेंट है जी असाइनमेंट नंबर जो है ये फोर है तो असाइनमेंट नंबर आपने फोर लिखा अब नीचे आपके पास एरिया है जहां आपने ईमेल टाइप करना है कोई टेक्स्ट मैसेज आपने टाइप करना है तो अब यहां पर आप टच करें स्क्रीन पर और अपना ईमेल मैसेज टाइप करें मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं काइंडली सर सी अटैचमेंट अब मैं अटैचमेंट लिख रहा हूँ अटैचमेंट का मतलब क्या है कि मैं इस ई के साथ कोई फाइल कोई पिक्चर कोई इस तरह की कोई चीज़ मैं अटैच करके भेज रहा हूँ अटैच कैसे करेंगे टॉप पर आपके सामने दो आइकॉन आपको नजर आ रहे हैं उनमें से ये एक ये वाला आइकॉन है इस आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करेंगे जब इस आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शंस आपके पास आ गए इन्जर्ट फ्रॉम ड्राइव ये अगर आपने जीमेल के पास अपनी जो गूगल ड्राइव है वहाँ पर आपने डाटा रखा हुआ तो वहाँ से भी आप अटैच कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से अटैच करना चाहते हैं तो अटैच फाइल पे आप क्लिक कर दें तो आपके सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी अब यहाँ से आप जिस फाइल को अटैच करना चाहते हैं मैं ऐसे एक आप इमेज की शक्ल में है फाइल में उसको उठा रहा हूँ आपने मोबाइल में जिस जगह पर रखी हुई है वहाँ से उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लें अब ये मोबाइल के इस मेरे मैसेज के साथ एक ये फाइल भी अटैच हो गई है अब मैं इसे सेंड करना चाह रहा हूँ तो देखें टॉप पर फिर ब्लू कलर का ये एक आपको आइकॉन नज़र आ रहा होगा आप इसके ऊपर टच करें और ये आपकी ईमेल सेंड हो गई जब ये ईमेल आपकी सेंड हो गई आप इसे चेक करना चाहते हैं कि जनाब ये ईमेल सेंड हुई है या नहीं हुई तो आप लेफ्ट साइड पे वैसे भी आपको स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा जैसे भी मैसेज आया लेफ्ट साइड पर आपको ये तीन आइकॉन नज़र आ रहे हैं ये इस जगह पर आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये चौथे पाँचवें नंबर पर ये छठे नंबर पर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है सेंट आप सेंट पर क्लिक करें तो आपने जो भी ई भेजी हुई हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी ये आठ बज के इक्यावन मिनट पर आपने जनाब एशादा को असाइनमेंट नंबर फोर जो है आपने सेंड की है अब ये आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है अगर आपको कोई शख्स कहता है जी आपने ईमेल नहीं भेजी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको दोबारा भेज सकते हैं कि ये देखें जनाब मैंने ईमेल इस वक्त आपको सेंड की थी तो इस तरह से आप ईमेल किसी को सेंड कर सकते हैं ईमेल सेंड करने का ईमेल को बनाने का और उसको फिर सेंड करने का तरीका हमने आज के इस वीडियो लेसन में सीखा जो कि बहुत ही मुख्स सा लेसन था लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा कि आपने जी मेल अकाउंट को बनाने का तरीका सीखा फिर अब अपनी मेल को कंपोज करने का तरीका सीखा मैं यही पर एक छोटा सा तरीका और भी बताता चाहता हूँ अभी आपने सेंड मेल में आए हुए दोबारा आपने अपने जो मेल आपको रिसीव हुई है आपने वहां पर जाना है तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास इनबॉक्स का या ऑल ईमेल का तो आप ऑल ईमेल में जाएंगे तो आपको आपकी ईमेल्स नजर आ जाएंगी अब यहां पर देखें आपके सामने और ऑप्शन भी हैं प्राइमरी ईमेल सोशल ईमेल मेल्स ईमेल तो आप अगर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ई मेल चेक करना चाहते हैं तो प्रमोशन पर क्लिक करेंगे तो प्रमोशन ई मेल अगर आपके पास कोई आई हुई है तो वो यहाँ पर नजर आ जाएंगी अगर आप प्राइमरी ई मेल चेक करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें तो इस तरह से आप अपनी ई मेल्स को चेक कर सकते हैं तो आज का हमारा लेसन यहीं पर मुकम्मल हुआ अल्लाह हाफिज़